दोस्तों नमस्ते। वर्मी कंपोस्ट बेड कैसे बनाएं, उसके लिए हमारे किसान भाइयों की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं आपको एक थोड़ा सा वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। इसके अंदर देखिए, जो किनारा है खेत की, जो बाउंड्री है, वो हमने देखो यहाँ पे ना कम से कम 2 फीट की गहराई के अंदर एक नाली बना दी है, ये वाली नाली, ताकि एक्स्ट्रा जो पानी आएगा या फिर बारिश में जो पानी भरेगा वो इसके माध्यम से बाहर निकल जाए। ये बहुत ज़रूरी है, और हमारे खेत में उस तरफ झील है, तो इसलिए उसलिए वहाँ पे हमने इसको एंड कर दिया है। कच्चे बेड कैसे बनाएंगे, ये देखिए आप, ये है बेड। इसकी चौड़ाई हमने रखी है लगभग 9 फीट और 30 फीट की इसकी लंबाई है। उसके बाद 2 फीट का गैप दिया है, उसके बाद फिर 9 फीट है और फिर इसके अंदर गैप दिया है। ऐसे करके आगे जब बढ़ेंगे आप तो लगभग काम करने के लिए 4 से 5 फुट का गैप हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। इसके बाद फिर वही सिस्टम है, आगे 9 फीट की चौड़ाई, ये 8 फीट की भी रख सकते हैं क्योंकि ये कच्चा है, 8 से 9 फीट के बीच में रखिए क्योंकि पन्नी 9 फीट की रहेगी, तो 9 फीट भी चल जाएगा और 8 फीट भी चलेगा। 8 फीट है तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इसकी जो किनार है, इस किनारी के ऊपर वो पन्नी आएगी जो 9 फीट की है, 8 फीट के बराबर रह जाएगी। उसके बाद देखिए फिर यही, और लगभग 6 इंच के करीब इसकी हमने ऊंचाई रखी है, जो नॉर्मल, ये देखिए यहाँ से लगभग 6 इंच के लगभग सारे के सारे बेड ऊंचे हैं। ये जो जगह है ये लगभग 6 इंच के करीब ऊंचाई है इसकी, ये गहराई है इसकी, ये बेड की ऊंचाई है, ये देख पा रहे हैं। ये इसको प्लेन करके लास्ट फाइनल चल रहा है, इसके ऊपर खाली पन्नी बिछानी है अभी, इसके लास्ट फिनिशिंग कर रहा है भाई ताकि ऊंचा नीचा ना रहे। उसके बाद पन्नी बिछा के इसके ऊपर और नए बेड, ये पूरे 1.5 एकड़ के अंदर नया सेटअप लगा रहे हैं अभी हम। ये गोबर आने लग रहा है अभी, गाय का गोबर है, इसकी कुंडी बना रहे हैं अभी और इसके अंदर पानी भर देते हैं, ठंडा हो जाता है जल्दी।